एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद। ओबरी उप तहसील मुख्यालय पर एक दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता राव मावी के खेल मैदान में आयोजित हुई, जहां बिरसा रॉयल चैलेंजर्स तथा बोखलापाल के मध्य फुटबॉल मैत्री मैच खेला गया, जिसमें बिरसा रॉयल चैलेंजर्स ने बोखलापाल को 6-2 से हराया। बिरसा रॉयल चैलेंजर्स से खेलते हुए कप्तान अक्षय ने 3 गोल करे, वही रौनक खराड़ी ने 2 गोल और लोकेश ने 1 गोल कर टीम को जीत दिलाई। जीतने वाली टीम को ग्रामीणों द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर निर्भय सिंह चौहान, जय शंकर खराड़ी, सुरेश नीरज रोशन सहित कई फुटबॉल प्रेमी मौजूद रहे। मैच के पश्चात टीम के कप्तान अक्षय डोडियार एवं टीम के सभी साथियों ने मांग रखी कि क्षेत्र में फुटबॉल काफी लोकप्रिय खेल है, जिसको लेकर सरकार से फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान सहित सभी सुविधाएं देने की मांग की, जिससे क्षेत्र के फुटबॉल खिलाड़ी आगे बढ़ सके। बंद कर दो। हाँ उबर है भाई, मो पानी लाजिम के अंदर जल्दी बनी
में जो गेम दिए हैं अभी उसमें हमारे ग्रामीण मतलब टीएसपी एरिया में जो खेल हो रहे हैं उसमें फुटबॉल नहीं दी गई है, जिसमें काफी फुटबॉल प्लेयर्स डूंगरपुर बांसवाड़ा अन्य टीएसपी क्षेत्रों में जो खिलाड़ी है वो काफी नाराजगी में है। इसलिए सरकार से हम ये अपेक्षा करते हैं कि टीएसपी एरिया में आदिवासी क्षेत्र में हम ये अपेक्षा करते हैं कि मतलब खिलाड़ी अधिक से अधिक टीम को प्रोवाइड करें। सरकार से हमारी यह अपेक्षा है कि वह ओलंपिक गेमों में फुटबॉल को लाया जाए और हमसे यह उनसे हम यह मांग करते हैं कि फुटबॉल काफ़ी समय से डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में चले आ रहा है और काफ़ी हमारे भाई बहन जो गांव बहुत दूर दूर गांव से खेलने आ रहे हैं, जो कि हर टीएसपी ग्रामीण इलाके में हम खेलने जाते हैं फुटबॉल। जैसे कि यहाँ से बोखलापाल हम जा रहे हैं तो वो 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है, वो आना जाना हम स्वयं के खर्चे से करते हैं। सरकार से हमारी यही अपेक्षा है क्योंकि हमारे सभी भाई बंद बोखलापाल से यहाँ आते हैं, हम यहाँ से बोखलापाल जाते हैं, तो हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हमारा प्रोविजन सबसे प्रारूप रूप से फुटबॉल का मनोरंजन विभाग सारे खिलाड़ियों के लिए खुशी की बात है, मतलब फुटबॉल का काफ़ी अपेक्षा करते हैं सरकार से हम के खिलाड़ी को निम्न रूप से फुटबॉल ओलंपिक गेमों में दिया जाए। और मेरे सबसे खुशी की बात तो यह है कि मैं डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा तहसील ओबरी गांव मेरा प्रॉपर गांव है और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि पाड़ा मैदा के पीटीआई साहब जयशंकर जी खराड़ी जो काफ़ी दिनों से हमारे पीछे मतलब साल हो गए मेहनत करते करते और आज हम विजेता हुए। एक दिवस रक्षाबंधन दिवस के दिन हम फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया गया जिसमें हम विजेता रहे और बोखलापाल जो कि 60 किलोमीटर दूरी से हमारे यहाँ खेलने आए हैं उनको मैं खूब खूब बधाइयाँ देता हूँ कि वो भी उप विजेता रहे हैं हमारे साथ और हमने काफ़ी 3 घंटे के रूबरू में मैच खेला है। और सरकार से हमारी यही अपेक्षा है कि ओलंपिक गेम में फुटबॉल को जोड़ा जाए और हमारी यही मांग है। और ख़ास करके मेरा मकसद रक्षाबंधन का यह था कि मेरी सिस्टर थी जो कि मैं खेल में अक्सर मेरा यही जज्बा है कि मैं हर बार टॉस में आगे ही जाता हूँ। अगर टॉस में मेरी सिस्टर से रक्षाबंधन के दिन मैं टॉस जीत गया और मैं जीत गया तो मेरी सिस्टर ने मेरे को कहा कि भैया तुमको क्या चाहिए, मैंने कहा रक्षाबंधन के दिन सिर्फ एक दिन के लिए मैच करवा दो, तो मेरी सिस्टर की वजह से मैं यहाँ गाँव में मैच करवाया मैंने और सबसे खुद को बधाई मेरे सिस्टर को देता हूँ तो उनकी वजह से आज मेरे भाई बोखलापाल से यहाँ आए और बोरखेड़ की टीम भी आई थी और यहाँ से पाड़ला मेहता की टीम भी आई थी और हमारे साथ एक कोच साहब खड़े हैं जो कि काफ़ी छः